दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। आज सुबह पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल अमृतसर स्थित अस्पताल में आंखों की रोशनी खो चुके लोगों का हालचाल जानने पहुंचे। गौरतलब है कि ये वही मरीज हैं जिनकी आंखों की रोशनी गत दिनों गुरदासपुर में लगे निशुल्क आंखों के कैंप में गलत ऑपरेशन के चलते चली गई थी। इस समय अमृतसर के इस अस्पताल में 19 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा पीड़ित लोगों को उम्र भर के लिए 2,000 रुपए हर महीने पेंशन मुहैया करवाई जाएगी ताकि उन लोगों के जीवन निर्वाह में कुछ मदद हो सके। उन्हें दी परमानेंट पेंशन एक लाई जाएगी, कितनी है? 2,000 रुपया महीना या 3,000 रुपया महीना हर गरीब लीडर पूरी पेंशन लाती है, स्पेशल पेंशन। अर्ज है जो 5-5 लाख नालों वो जे दे देंगे, वो खर्च खुर्च हो जाएंगे। कोई रिश्तेदार ले जाते, अजकल बच्चे ले जाते, इन्हों की ता लाइफ पेंशन ला दी है जी। 2,000 रुपया महीना हर एक मिल जाऊ घर बैठे बीबी को, वह ज्यादा फायदा है। बनस्पत तुम 5 लाख तो 5 लाख दे, 10 लाख दे दो, वो हम बच्चे ही खा पी जाएंगे जी। पर बादल साहब जिन्हें पेंशन करो एवं हर चीज ने नैगेटिव मिलकर नहीं पा रहे, हर एक पेंशन मिलती है। ये स्पेशल पेंशन 2,000 रुपया महीना होगी।